नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम कुछ पाइथन के बेहतरीन प्रोग्रामिंग प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं जो कि विभिन्न आपके सरकारी जॉब में यूजफुल रहेंगे, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर, ASI, SI एंड ओ लेवल, इन सब में ये प्रश्न यूजफुल रहेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाइथन में एक कीवर्ड नहीं है। तो दोस्तों, ये जो बात की जा रही है कीवर्ड नहीं है, तो ये बात की जा रही है रिजर्व कीवर्ड की। तो आपको ये समझना होगा कि ये प्रश्न कहां से, रिजर्व कीवर्ड से है। ये प्रश्न है रिजर्व कीवर्ड से कि कौन सा पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो पहले आपको जानना होगा दोस्तों कि पाइथन में कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड होते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर है कौन सा रिजर्व कीवर्ड नहीं है, तो फाल्स। इसमें ये जो फाल्स लिखा हुआ है डी स्थान पर, ये है। इस तरह से कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होता है। तो लेकिन एक बार आपको दोस्तों जाननी होगी कि रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से होते हैं। देखिएगा दोस्तों, पाइथन भाषा में ये रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ये सभी क्या है, रिजर्व कीवर्ड होते हैं जो कि पाइथन भाषा में होते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, फाल्स लिखा हुआ है पाइथन भाषा में, क्या है, फाल्स लिखा हुआ है। फाल्स किस तरह से लिखा हुआ है आप देख पाएंगे, शुरू का जो अक्षर है पहला अक्षर कैपिटल लिखा हुआ होता है, वहां स्मॉल था हमारे विकल्प डी में। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पाइथन में कौन सा रिजर्व कीवर्ड हमारा ये वाला है, ये वाला होता है। तो इस एक बार सभी आपको रिजर्व कीवर्ड पर एक बार आइडिया लेना है, आपको हल्के से एक बार रिविजन करना है ताकि आप गलत विकल्प या सही विकल्प का चयन कर सके कौन सा रिजर्व कीवर्ड नहीं है। तो आइए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो दोस्तों, ये कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, x बराबर 50 है, तो ये एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरी लाइन में def फंक्शन x लिखा हुआ है। तो आप जानते हैं def कीवर्ड का मीन्स क्या होता है, डिफाइन करना। तो पाइथन भाषा में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए def कीवर्ड प्रयोग होता है। तो ये जो def कीवर्ड है, इसके द्वारा हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो हमारा एक्स बराबर 50 लिखा हुआ है, ये एक्स बराबर 50 क्या है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होते हैं वो कैसे होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं। तो यहां जान लेते हैं, क्योंकि यहां क्या है, फंक्शन के अंदर की बात चल रही है। अब ये हमारा जो फाइनल स्टेटमेंट है, ये है प्रिंट हुआ हुआ, ये फाइनल स्टेटमेंट है हमारा। तो ये जो फाइनल हमारा स्टेटमेंट है, ये फाइनल स्टेटमेंट कौन सा वेरिएबल प्रिंट करेगा, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ये हमारा सही होगा, क्योंकि लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो एक बार आप देख लेते हैं कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल, देखिएगा दोस्तों वेरिएबल क्या होते हैं पाइथन में, ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो कहीं से भी एक्सेसिबल होते हैं। जैसे ये हमारा कोड लिखा हुआ है, इस कोड में क्या है, इस कोड में हमारा a बराबर 390 है, b बराबर 90 है, ये दोनों क्या है, ये हमारे दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं। ये कैसे वेरिएबल होंगे, ग्लोबल वेरिएबल। ये फंक्शन है गेट एडिशन, एक लोकल फंक्शन है, इसके अंदर वेरिएबल कैसे है, ये हमारे लोकल वेरिएबल है। तो फंक्शन के अंदर क्या होते हैं, लोकल, और बाहर क्या होते हैं, ग्लोबल। देखिएगा लोकल वेरिएबल क्या होंगे, ये हमारा फंक्शन है गेट एडिशन, इसके अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो ये वेरिएबल कैसे होंगे, ये हमारे लोकल वेरिएबल होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है, तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों को आप समझने के लिए या करने के लिए आप बीटा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको और बेहतरीन प्रकार की वीडियो मिलेंगी। और ये हमारा कंप्लीट पाइथन कोर्स आपको पेड हमारा ऐप है बीटा एकेडमी का, वहां से भी यहां इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, देखिए दोस्तों
क्या प्रश्न है? तो द आंसर फॉर स्टेटमेंट थ्री, ये स्टेटमेंट है, इसमें ना आंसर फिल करने हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ये जो कोड है, ये जो गिवन कोड है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज किया गया है फाइल में लिखने के लिए। तो ये जो सीरियलाइजेशन का काम होता है, ये होता है पिकल मॉड्यूल के द्वारा। पाइथन में इसके लिए हम कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं? पिकल मॉड्यूल यूज करते हैं। और यहां ये हमारी फाइल है, बाइनरी फाइल है, डब्ल्यू वी मोड होगा, राइट बाइनरी मोड यूज करेंगे। और यहां हम क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कि तो शुरू में क्या है, हमने इंपोर्ट करना है कौन सा, पिकल मॉड्यूल, और फिर हमने फाइल कौन सी यूज करनी, किस मोड में लिखना होता है, राइट बाइनरी मोड में हम फाइल को लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट थ्री के लिए चुनना है, स्टेटमेंट थ्री के लिए कौन सा मोड होगा। अच्छा देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो डंप मॉड्यूल है, डंप मॉड्यूल भी किसमें होता है, पिकल में ही होता है, पिकल के अंदर ही होता है। तो आपका सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, सही आंसर हमारा होगा पिकल, इसका सही आंसर याद रखना है आपको, पिकल मॉड्यूल होता है। तो दोस्तों पिकल मॉड्यूल के बारे में जान लेते हैं एक बार, पिकल मॉड्यूल क्या होता है। देखिए दोस्तों, पाइथन में पिकल मॉड्यूल का उपयोग किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट की संरचना को क्रमबद्ध और डीसीरियलाइज करने के लिए किया जाता है। जब पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक किया जाता है, डेटाबेस फाइल से उठाया जाता है, तो पहले उसे सेव किया जाता है। इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं, इसके लिए हम पिकल मॉड्यूल का प्रयोग करते हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए दोस्तों हमारा क्या है, ये स्यूडो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को हमें क्या बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये हमारा स्यूडो कोड है, इसका आउटपुट हमारा क्या होगा देखते हैं दोस्तों, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारा हमने इंटीजर ए एक वेरिएबल लिया है, सेट एरर 5, ए कमांड 5 सेट किया है, डू, ये डू वाइल लूप इसने ऑपरेट की है, कौन सी लूप की है, डू वाइल लूप ऑपरेट की है, क्या प्रिंट ए माइनस 2, प्रिंट ए माइनस 2 इसने प्रिंट किया है, तो ए माइनस 2 क्या प्रिंट होना चाहिए, या 3 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इसने ए और ए माइनस 1, अब ए का मान इसने 1 रिड्यूस किया है, तो ए का माइनस 1 क्या है, यानी कि 4 यहां प्रिंट हो जाएगा। अब इसने यहां कंडीशन लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, ए हमारा 0 के इक्वल नहीं है, तो देखिएगा यहां एरर 5 है, ए नॉट इक्वल टू 0 सही है कंडीशन, एंड वाइल। तो ये जो इस तरह से इसने ये लूप चलाई है, लूप में एक तो प्रिंट स्टेटमेंट को इसने सही प्रकार से नहीं लिखा, इसने प्रिंट स्टेटमेंट को सही प्रकार से नहीं लिखा, और इस केस में हमारा क्या होगा लिखेगा, जैसे अगर हम यहां कर रहे हैं, अगर सोचें तो पहले क्या होगा, 3 प्रिंट होना चाहिए, फिर ए माइनस 1, ए माइनस 1 की अगर हम बात करें प्रिंट करने के लिए, तो यहीं पर हम देखेंगे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहां अगर लूप फिर से यहां रिपीट होगी लूप, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारा, तो ये कोई भी इसमें से मैच भी नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है, कर्ली ब्रेसेस का उपयोग भी नहीं किया। तो ये कोड जो है इसमें प्रॉब्लम है, सही आंसर क्या है इसमें, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आपको छोटी छोटी चीजों को देखना है कोडिंग में, किस प्रकार की गलतियां एरर हो सकती हैं समझना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रश्न है दोस्तों। रवि ने ओपन फंक्शन का उपयोग करके पाइथन में एक फाइल खोली है, लेकिन मोड निर्दिष्ट करना भूल गया, फाइल किस मोड में ओपन होगी। देखिएगा, यानी रवि ने क्या किया, ओपन फंक्शन का यूज किया है, ओपन, तो जब ओपन फंक्शन होता है यूज, तो कौन सी मोड में फाइल होती है, रीड मोड में फाइल डिफॉल्ट रूप से ओपन होती है, क्या होगा, रीड मोड, हमारा रीड मोड होगा। तो दोस्तों आपको जानने होंगे कि फाइल हैंडलिंग के कौन कौन से मोड होते हैं, तो आपको ये जानने होंगे फाइल हैंडलिंग के कौन कौन से मोड होते हैं दोस्तों, ये देखो ये क्या है हमारा, फाइल हैंडलिंग के मोड्स होते हैं, ये आपको जानने होंगे। ये देखिएगा, अपेंड मोड होता है, अब ये आपको सब समझना होगा कि अपेंड मोड में फाइल को ओपन किया जाता है, अगर पहले से बनी होती है फाइल तो हम अपेंड मोड में लिखते हैं, उसमें हम उस डेटा को ऐड कर सकते हैं, तो इसके लिए ए मोड का यूज करते हैं। फिर होता है एवी मोड होता है, एवी का मीन्स क्या होता है दोस्तों, अपेंड इन बाइनरी मोड होता है, ए प्लस मोड होता है, ये क्या होता है, अपेंड एंड रीड मोड होता है, ए बी प्लस मोड भी होता है,
ये क्या होता है अपेंड एंड रीड इन बाइनरी। नेक्स्ट आर मोड होता है, रीड मोड होता है। ये क्या लिखा, ये लिखिएगा, ये डिफॉल्ट होता है। रीड मोड क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, ये फाइल को रीड करने के लिए इस मोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आरबी है। आरबी क्या होता है, रीड इन बाइनरी मोड होता है। आर प्लस रीड एंड राइट मोड होता है। आरबी प्लस क्या होता है, रीड एंड राइट इन बाइनरी होता है। डब्ल्यू क्या होता है, राइट मोड होता है। डब्ल्यू प्लस क्या, डब्ल्यू बी क्या होता है, राइट इन बाइनरी मोड होता है। ये आप याद रखने हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं। डब्ल्यू प्लस क्या होता है, राइट इन बाइनरी होता है। डब्ल्यू बी क्या प्लस क्या होता है, राइट एंड रीड इन बाइनरी मोड होते हैं। ये फाइल हैंडलिंग के मोड्स होते हैं। इसी के साथ ये हम देख लेते हैं, जैसे फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, ओपन फंक्शंस होता है। ये क्या करता है, ये फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग होता है। रीडेबल क्या होता है, ये चेक करता है कि फाइल रीड करने लायक है कि नहीं है। रीड लाइन क्या करता है, किसी एक सिंगल लाइन को रीड करता है। रीड लाइंस क्या करता है, ये एक फाइल से विभिन्न लाइंस को रीड करेगा। रीड फंक्शन क्या करेगा, पूरे कंटेंट को फाइल के एक साथ रीड कर देगा। राइटेबल फंक्शन क्या करेगा, ये चेक करेगा कि फाइल राइटेबल है कि नहीं है। राइट फंक्शन क्या करेगा, फाइल में डेटा राइट करेगा। राइट लाइंस क्या करेगा, मल्टीपल लाइंस को फाइल में राइट करेगा। क्लोज फंक्शन क्या करेगा, फाइल को क्लोज करेगा। सीक फंक्शन क्या करेगा, फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करेगा। टेल क्या करेगा, करंट पोजीशन बताता है। तो ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन फाइल हैंडलिंग के फंक्शन से पूछे जाते हैं, ये बात आपको याद करनी है। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा, तो डिफॉल्ट रूप से कौन सा होता है, रीड मोड होता है, याद रखना है। अब वेरिएबल के नाम में से कौन सा सही है, अब वेरिएबल का नाम है तो आप दे सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलिमिटेड लेंथ का आप दे सकते हैं पाइथन भाषा में वेरिएबल का नाम। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, क्या है, इंपोर्ट पिकल, पिकल मॉड्यूल को इसने इंपोर्ट किया है और इसमें इसने क्या किया है, फंक्शंस कॉल किए हैं। तो देखिएगा, डी इज इक्वल टू, अगर बात करें रिक्त स्थान को इसमें भरना है, तो अगर हम इसमें इसकी बात करें तो क्या है, इसमें हम फिल कर सकते हैं। देखिएगा, ये हमारा जैसे एफ डॉट क्लोज है, तो इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, क्या इसमें फिल हो सकता है, देखिएगा हमारा इसमें जो फिल हो सकता है, हमने कहा था कि अगर पिकल मॉड्यूल है तो पिकल मॉड्यूल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो डंप भी पिकल मॉड्यूल में होता है, यहां पे याद रखेंगे, डंप भी होता है और लोड भी होता है, लोड भी होता है। तो क्या आएगा हमारा, पिकल डॉट डंप आ जाएगा, पिकल डॉट डंप, पिकल इसमें आ जाएगा, विकल्प सी हमारा सही होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या होगा हमारा, फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम का उपयोग क्या आता है। तो फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम का प्रयोग किस लिए होता है, सभी चीजों के लिए होता है, कि बेटर प्रोग्रामिंग, एफिशिएंट कोडिंग, इजी टेस्टिंग एंड डीबगिंग, सभी के लिए होता है। तो आपको जानना होगा फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो आइए जान लेते हैं फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं। फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं, किसी एल्गोरिदम या प्रोग्राम को चित्रों के रूप में दर्शाना क्या होता है, फ्लोचार्ट होता है। अर्थात फ्लोचार्ट में एल्गोरिदम या प्रोग्राम को चित्रों की सहायता से दर्शाया जाता है। अच्छा, फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं, फ्लोचार्ट्स प्रोग्राम लिखने में बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके द्वारा हम मुश्किल प्रोग्राम्स को आसानी से समझ सकते हैं। फ्लोचार्ट में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों कौन से सिंबल होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं फ्लोचार्ट्स के। पहला क्या हो गया आपका, ओवल शेप हो गया। ओवल शेप किस लिए प्रयोग होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, स्टार्ट एंड के लिए प्रयोग होता है। एरो हो गया, एरो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, फ्लो को दर्शाता है, फ्लो। ये आपका रेक्टेंगल, ये हो गया पैरेललोग्राम, ये इनपुट आउटपुट को दर्शाता है, क्या करता है, इनपुट आउटपुट को दर्शाता है। और प्रोसेस हो गया, प्रोसेस को दर्शाता है क्या, आयत, रेक्टेंगल दर्शाता है। डिसीजन, डिसीजन के लिए हम डायमंड शेप का यूज करते हैं, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सब फ्लोचार्ट्स के क्या है, सिंबल्स हैं, क्या है, सिंबल्स हैं फ्लोचार्ट्स के, जो कि आपको याद करने हैं। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर की को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाता है। तो 10 बाइट पीछे कौन सा ले जाता है, तो हमने आपको बताया था अभी, हमने बताया था, लिखिएगा, ये हमारे फंक्शंस हैं। फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करने के लिए हम सीक फंक्शन यूज करते हैं, क्या करते हैं, सीक फंक्शन यूज करते हैं। तो अब आप देखेंगे कौन सा हमारा विकल्प सही होगा सीक फंक्शन के लिए, देखिएगा, तो 10 बाइट पीछे ले जाना है,
तो 10 बाइट पीछे कौन से ले जाएगा, तो यानी कि माइनस 10 करना पड़ेगा आपको। ये माइनस 10 हम करेंगे तो 10 बाइट हमारा पॉइंटर पीछे पहुंच जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्या है पाइथन में कौन सा फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन क्या है इनबिल्ट फंक्शन है, किसमें दोस्तों पाइथन में कौन सा फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन है। तो दोस्तों इनबिल्ट फंक्शन कौन सा होता है पाइथन का देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें जो इनबिल्ट फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है। इनबिल्ट का मतलब जो पहले से बने हुए होते हैं फंक्शन, वो क्या होते हैं इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। आइए दोस्तों अगला हम देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट फाइल से एक लाइन रिटर्न करेगा। देखिएगा दोस्तों अभी आपको हमने बताया है कि कौन सा फंक्शन एक लाइन रिटर्न करेगा, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा है एफ डॉट रीड लाइन, यानी ये हमने आपको बताया कि रीड लाइन क्या करेगा, ये रीड लाइन है। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा देख रहे हैं आप, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, ये एक लाइन पढ़ने के लिए हम रीड लाइन का उपयोग करते हैं। चलेगा दोस्तों ये आपने प्रश्न को समझा, तो कौन सा विकल्प होगा एफ डॉट रीड लाइन होगा एक लाइन पढ़ने के लिए। नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित लाइन को फंक्शनल बनाने के लिए किस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाएगा। देखिएगा अब कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट हम करेंगे इसके लिए, तो दोस्तों ये हमारा क्या है, हम आपको पता है जब भी फंक्शन यूज करते पहले क्या होता है मॉड्यूल का नाम होता है, जैसे हम लोग क्या कर लिख रहे थे पिकल डॉट डंप, तो यहां पिकल की इसका नाम है, पिकल हमारा नाम है इसमें मॉड्यूल का। अब देखिएगा तो पिकल हमारा क्या है, हमारा यहां मॉड्यूल का नाम क्या है सिस होगा, सिस नाम है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, इंपोर्ट मैथ, तो मैथ हमारा मॉड्यूल का नाम है, तो उसको कॉल करने के लिए एसक्यूआरटी फंक्शन है, एसक्यूआरटी एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए पहले मॉड्यूल का नाम लिखते हैं मैथ डॉट एसक्यूआरटी, तो 36 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 6.0 आ जाएगा, क्या आएगा 6.0 आ जाएगा सीधा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा, इस कोड का आउटपुट क्या होगा, हमारा जो कोड है इस कोड का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों देखिएगा दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सोर ऑपरेटर है, आपको बताया होगा ये कौन सा होता है एक्सोर ऑपरेटर होता है, और आपको याद होना चाहिए एक्सोर ऑपरेटर में क्या होता है, एक्सोर ऑपरेटर में जब दोनों आपके इनपुट सिग्नल 0 0 या 1 1 जब ये होते हैं तभी कंडीशन 1 आती है, तभी ट्रू होती है। तो आप देखेंगे एबीसी है सीडी है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक जैसे क्या है हमारा सी है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा एबीडी हमारा आउटपुट आ जाएगा, या डीएबी हमारा बीएडी हमारा आउटपुट आ जाएगा, सी कॉमन चीज हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या होगा, हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक कनेक्टर जो निरूपक आकृतियों के बीच संबंध दर्शाता है, तो ऐसा कौन सा कनेक्टर होता है जो संबंध दर्शाता है रिलेशनशिप दर्शाता है। देखिएगा कौन सा होता है, एरो का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं एरो का प्रयोग करते हैं, आपको अभी हमने आपको बताया है कि देखिएगा दोस्तों फ्लो चार्ट्स होते हैं, ये फ्लो चार्ट्स के सिंबल हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप्स, शेप्स के बीच रिलेशनशिप क्या दर्शाता है हमारा, ये एरो दर्शाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने कुछ ये प्रश्न किए, तो उम्मीद करते हैं ये सब प्रश्न आपको समझ आए होंगे, और इस तरह के प्रश्नों की व्याख्या सहित समझने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप पर प्रोग्रामिंग के अलग कोर्स बने हुए हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।